शतक्रतु शब्द है ना संस्कृत में, शतक्रतु आजकल जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं सी आर दास, तो हिंदी में तो हम लोग बचपन में इसका अर्थ ही उल्टा समझते थे, हम अंग्रेजी तो जानते ही नहीं थे, हम तो सी आर दास का अर्थ सी आर दास समझते थे, बचपन में नहीं समझते। तो ये अक्षर संकेत है ना, सी अलग संकेत है, आर अलग संकेत है। अब देखो संस्कृत में एक नाम है इंद्र का शक्र, वो क्या है, सांकेतिक नाम है। कैसे, शतक्रतु में से शत का स और क्रतु का क्र, ये दोनों मिला करके शतक्रतु का संक्षेप किया तो शक्र शब्द बन गया। ये शक्र शब्द की व्युत्पत्ति है। तो शक्र अकस्मात यतः शतक्रतु, शत का स और क्रतु का क्र दोनों मिलकर शक्र बन गया। शक्र माने शतक्रतु, जिसने सौ सौ यज्ञ किए उसका नाम शतक्रतु हो गया। ये सांकेतिक नाम होता है। तो ब्रज शब्द भी सांकेतिक है। ब्रज माने ब्रह्म रज, ब्रह्म रज वहां के रज की विशेषता है। वहां विशेष वस्तु क्या है, वैशिष्ट किसमें है, का रज में है। रज के बिना वह केवल बक्काल है,
वकार है। तो ब्रज भूमि ध्येय है, हो ये बात ध्यान में रखें। तो ध्यान में सामान्य रूप से आप बिना राग द्वेष के किसी वस्तु का ध्यान करने लगो तो नहीं आवेगा, हो या तो मित्र का ध्यान आता है या तो शत्रु का ध्यान आता है। जिसके साथ कोई संबंध नहीं जुड़े उसका ध्यान कैसे आवे। तो आजकल ईश्वर मानने वाले बहुत से लोग जो होते हैं वो आस्तिक हैं, सवेरे उठ के हाथ भी जोड़ते हैं, भगवान का नाम भी ले लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, पर भगवान के साथ उनका कोई अपना खास रिश्ता नहीं, संबंध नहीं। तो सौंदर्य बोध होने पर भी जहाँ संबंध नहीं रहता है वहाँ ध्यान टिकाऊ नहीं होता। जैसे चंद्रमा के सौंदर्य का बोध तो है परंतु चंद्रमा से ममत्व नहीं है। तो जिस समय चंद्रमा को देखेंगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन घर में बैठ करके कहो कि हम चंद्रमा का ध्यान करें तो चंद्रमा का रसा ये ध्यान का रस घर में बैठ के नहीं आ सकता। अब ममता जोड़ो, तो श्री कृष्ण चंद्र है, बोलते ही हैं चंद्र है, क्योंकि प्रेम भी चंद्र ही है, प्रेम भी चंद्रमा है और कृष्ण भी चंद्रमा है। कहिए चंद्रमा क्यों, बोले आह्लादकत्व सामने से। श्री कृष्ण भी हृदय को आह्लाद देता है और चंद्रमा भी हृदय को आह्लाद देता है, तो आह्लादन सामने से कृष्ण और चंद्रमा ये दोनों एक हैं। अब ये देखो कि श्री कृष्ण चंद्र के संयोग में तुम्हें रस का अनुभव होता है कि नहीं, और श्री कृष्ण चंद्र के वियोग में दुख का अनुभव होता है कि नहीं। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। जब तक कृष्ण चंद्र के संयोग की स्फूर्ति से रसास्वादन नहीं होता और जब तक वियोग की स्फूर्ति से दुख की अनुभूति नहीं होती तब तक भक्ति का प्रारंभ नहीं हुआ। चंदन लगा लो, माला पहना लो, अक्षत चढ़ा लो, आरती उतार लो, लेकिन जब तक तुम संबंध नहीं बनाओगे और संबंध बना करके जैसे मित्र के वियोग में, पुत्र के वियोग में, पति के वियोग में जैसे दुख होता है वैसे कृष्ण के वियोग में जब तक तुम्हारे हृदय में दुख नहीं होता तब तक भक्ति रस का आस्वादन नहीं होगा। भक्ति रस का आस्वादन या तो संयोग में होता है या तो वियोग में होता है। तो पहले वियोग का अनुभव होकर तब संयोग का अनुभव होता है, तब संयोग का स्वाद आता है। न बिना विप्रलंभे न संभोग पुष्टि मश्नुते, वियोग के बिना संयोग रस की पुष्टि नहीं होती। अब हम लोगों के लिए क्या उपयोगी है ये देखो। तो एक मत ये है कि हम ये अनुभव करें कि ठाकुर जी हमारे मन में बैठे हैं। तो अगर वैराग्य हो संसार से मन में पहले से संसार से वैराग्य हो और फिर ये ध्यान करो कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं तब तो मजा आ जाएगा। और अगर संसार से वैराग्य नहीं है और ये ध्यान करोगे कि भगवान हमको मिले हुए हैं तो वो मुसाफिर खाने में एक मुसाफिर और बढ़ गया, मजा नहीं आवेगा। तो तुम्हारा दिल है मुसाफिर खाना, उसमें सैकड़ों आदमी पहले से भरे हैं, एक और बढ़ गया। तो इसमें ऐसा होता है कि किसी को तो सत्संग होने के बाद लोभोत्पत्ति होती है। कृष्ण की कथा खूब सुनो, कृष्ण की माने ईश्वर की हो, ब्रह्म की, उसका कुछ नाम रख लो, सत्य की, चेतन की, आनंद की, परमात्मा की, उसकी चर्चा पहले सुनो। सुनते 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 हृदय में लोभ की उत्पत्ति होती है। जैसे चोर ये वर्णन सुने कि अमुक के पास बहुत बढ़िया हीरा है और उसके मन में ये लोभ हो जाए कि किसी तरह हथियार ले, इसी तरह भगवान का वर्णन श्रवण करते 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 मन में लालसा आ जाए कि हम तो इनको प्राप्त करें। अब कैसे प्राप्त करें ये पूछने के लिए गुरु के पास जाओ। और तो पहले गुरु मिल गया,
और उसने पानी की तरकीब बता दी और उसके बाद जब करने लगे, जब करते करते ध्यान करते करते लोभ की उत्पत्ति हो गई कि हम इसको प्राप्त करें। ये दोनों क्रम हैं, लोभोत्पत्ति के अनंतर गुरुकरण और गुरुकरण के अनंतर लोभोत्पत्ति। विश्वनाथ चक्रवर्ती की एक पुस्तक है, उसका नाम है राजवर्त्म चंद्रिका, पुस्तक का नाम है राजवर्त्म चंद्रिका, अनुराग के मार्ग की चांदनी। माने अगर तुम प्रेम के रास्ते में चलना चाहते हो तो यहाँ तुमको चांदनी मिलेगी, चंद्रिका मिलेगी। तो अब ये जो हम ब्रज में इस समय बैठे हैं, रात्रि का समय, चांदनी छिटकी हुई, जसोदा मैया की आंखों से झर झर आंसू गिर रहे हैं, वो तो बोल नहीं सकते, और उद्धव जी चुपचाप देख रहे और नंद बाबा बोल रहे। देखो नंद बाबा में बोलने का सामर्थ्य है और जसोदा मैया में बोलने का सामर्थ्य नहीं है, और उद्धव जी के हृदय में द्रवता उत्पन्न हो रही है, उनके कठोर हृदय में। जदुवंश के मंत्री हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े योग्य पुरुष हैं, लेकिन उनके हृदय में द्रवता नहीं है। द्रवता माने पिघलाहट, जैसे घी पिघल जाता है और घी कठोर होता है, तो अभी उनका दिल पिघला नहीं है। कृष्ण ने कहा इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा मंत्री हमारा साथी है और इसका दिल नहीं पिघला, इतना बड़ा संयमी इंद्रिय जयी भी मन न्यूनो। कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी मुझसे कम नहीं है, परंतु हृदय में जो प्रेम का संचार होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो ब्रज में भेजे गए कि जरा प्रेमियों का शक्तिपात हो इनके ऊपर, प्रेमी लोग अपने विरह की आंच दे दे करके इनके दिल को पिघलावे। तो अब उद्धव जी के दिल को पिघलाने की प्रक्रिया ये चल रही है, जानबूझ के नहीं, कृष्ण के संकल्प से। नंद बाबा वर्णन कर रहे हैं कि क्या कृष्ण हम लोगों को कभी स्मरण करते हैं, क्या हृदय द्रावक बात है, क्या कभी कृष्ण हमारे बीच में आवेंगे। अनेक बार मृत्यु हमें चक कर जाने के लिए आई, कृष्ण ने बचा लिया, तो क्या इसी दिन के लिए बचाया था? तो नहीं नहीं। अब देखो सारी गीता सुन के अर्जुन ने कहा था कि हमको कृष्ण की स्मृति प्राप्त हो गई, तुम्हारी कृपा से स्मृति प्राप्त हुई, स्मृति नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मया च्युत। संपूर्ण गीता सुनने के बाद अर्जुन को स्मृति प्राप्त हुई, और भगवान ने गीता में कितनी बार अर्जुन को बताया कि तुम मेरा स्मरण करो, तुम मेरा स्मरण करो, स्मरण का महात्म्य बताया, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण स्मरणीय है, स्मरण करो स्मरण करो, तब चित्त तुम्हारा पवित्र होगा, शुद्ध होगा। और नंद बाबा किस भूमिका में है? बोले कि स्मरण ने हमारा बंटा धार कर दी, बहुत ऊंची कक्षा है वो। ये स्मरताम कृष्ण विरियाणी लीला पांग निरीक्षिताम हसितम भाषितम चांगो सर्वान शिथिला क्रिया सरिच्छैलवनोद्देशान मुकुंद पदभूषितान आक्रीडान ईक्षमाणानां मनोयाति तदात्मताम। उद्धव हमें दिन रात श्री कृष्ण के पराक्रम का स्मरण होता रहता है। यहाँ कृष्ण वीरयाणी को कृष्णस्य वीरयाणी ऐसा समझना चाहिए, समाज से पृथक करके लोप ही हो गया है, विभक्ति का लोप हो गया है यहाँ,
है तब ये अलग, इसलिए प्रत्येकम संबद्ध है। कृष्णस्य वीर्याणि कृष्णस्य लीलापांग निरीक्षिताम कृष्णस्य हसिताम कृष्णस्य भासिताम, प्रत्येक के साथ कृष्ण का संबंध है। और कृष्ण पहले श्लोक के अंत में बोले कृष्णेन सुमहात्मना और दूसरे श्लोक में स्मरताम कृष्ण वीर्याणि, ये कृष्ण 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 बारंबार कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दिल में बसा है, ये जीव पर बसा है। अनचाहे कृष्ण नाम निकल जाता, इतना मीठा मधुर मधुर, इसमें अंकुश है ना, क्री क्री में जो नीचे री है वो अंकुश है, और क्री में जो क्री है ना, ये इसी को तो बीज बीजाक्षर बना लिया है काली के उपासकों ने। क्री कादी विद्या जिसको बोलते हैं, कादी विद्या क्रीम है, क्लीम है, ये एक ही क्री का निकला हुआ है। मुसलमानों ने करीम कर लिया हो, ईसाई लोग क्राइस्ट बोलते हैं। ये क्री जो है ना, कृष्ण का क्री ये बड़ा व्यापक है, सर्वत्र। हमारे जो सरदार लोग हैं उनका तो ककार के बिना कुछ चलता ही नहीं है, उनके यहाँ अभी क का साम्राज्य है, बोला पांच ककार उनके यहाँ होते हैं। ये कृष्ण जो है, कृष्ण 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 कृष्ण, ये दिल में छिपे हुए प्रेम को निकालकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त कर देने वाला है। देखो क जो है इसकी स्थिति नीचे है और री शा स्थिति ऊपर है, क की स्थिति कंठ में है। वो क बोलते हैं ना, क बोलते हैं तो कहाँ रहता है, क रहता है कंठ में, और री शा ये तीनों अक्षर रहते हैं ऊपर, तो क कंठ से नीचे जो अटकी हुई भावनाएं है ना, अपनी भावनाओं को वासनाओं को लेकर के बैठा हुआ जीव है, उसको खींचता है, और री उसको सिर में परमात्मा के पास ले जाकर पहुंचाता है, और स्वर्ण ये दोनों मिल जाते हैं, मिला देता है परमात्मा को। ये कृष्ण 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 अद्भुत अद्भुत शक्ति वाला शब्द है। इसको प्राकृत में कन्हड़ बोलते हैं, कन्हड़, ब्रज में बोलते हैं कान्हा कन्हैया कनुआ, बहुत प्रेम में कनुआ चलता है, कनुआ। ये अपने बेटे का काला नाम रखना बड़े प्यार का सूचक है, नहीं तो बेटा भले काला होवे लोग उसका नाम तो सुवर्ण प्रसाद है, जब बेटा काला भी अपना बेटा काला भी हो तो लोग नाम सुवर्ण रखते हैं। ये काले को काला कहना ये बड़े प्यार का लक्षण है। और ये नंद बाबा के मुख पर बारंबार बारंबार आता है, कृष्ण 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 नारायण। अब कहते हैं हम स्मरण करते हैं, स्मरताम, क्या स्मरण करते हैं, वीर्याणि पराक्रम। उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण नंद बाबा जब तुम्हें कृष्ण के विरह में बहुत कष्ट है तो कृष्ण का स्मरण करो। आपने सुना ही होगा एक कवित्व है हिंदी में, कहानी कहियो करें, जिन आँखों से बहुत से चरित्र देखा है ना, अब उसके आंसू बहाते हैं, जिस दिल से अपने प्यारे को लगाया उससे अब उसके गुन गुनते हैं, जिस जीव से उससे बहुत बातें की अब उसी जीव से उसकी कहानी, जिस कान से उसकी बातें सुना करते थे उस कान से अब उसकी कहानी कहा करते हैं, जिस हृदय में उसके संजोग का रस उदय होता था अब हम उसकी याद करते हैं। तो याद होती है उद्धव जी, ये नहीं समझना कि याद नहीं होती है, याद तो अपने आप ही होती है, लेकिन अब हम करें क्या, तो अपनी रक्षा के लिए या उसको सुख पहुंचाने के लिए हम कुछ करें,
ये बात हमारे ध्यान में नहीं आती, क्योंकि हमने उसके वीर्य देखे हैं। वीर्य माने वीरता हो, वीरता के लिए संस्कृत में वीर्य शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में जिसका प्रयोग वीरता बहादुरी के लिए होता है ना, पराक्रम। तो देखो, अजगर ने हमको खाना चाहा और उन्होंने पांव से छू करके उसको गंधर्व बना दिया, और पानी के देवता ने मुझे डुबोना चाहा। ये पराक्रम है कृष्ण। अग्नि देवता ने हम लोगों को जलाना चाहा, पी गए अग्नि। वायु देवता ने हमको उड़ाना चाहा, पहाड़ की आड़ कर दी। देखो सब बात है, अग्नि से रक्षा कृष्ण ने की, इंद्र से रक्षा कृष्ण ने की, वरुण से रक्षा कृष्ण ने की। अब हम उसकी कौन सी रक्षा करें और कौन सी याद करें? कहो कि हम चल के जाएं, जब उसमें इतना सामर्थ्य है तो उसका मिलने का मन होगा तो हमारे पास आ नहीं जाएगा, मिलाने का मन होगा तो हमको पकड़ के खींच नहीं लेगा। अब हमारे करने के लिए बाकी क्या रह गया? सर्वानः शिथिलाः क्रियाः, हमारी सब क्रिया शिथिल पड़ गई। योगियों की समाधि में जैसी स्थिति होती है वैसी स्थिति हमारी हो गई। वेदांतियों की जैसी नैष्कर्म्य स्थिति वेदांतियों की जैसी होती है वैसी हमारी अपने आप हो गई। सर्वानः शिथिलाः क्रियाः, हमारी सारी क्रिया शिथिल हो गई। देखो ये स्मरण की बात बता दू, श्री कृष्ण का स्मरण करो, सारे साधन अपने आप ही आए। मैं जप करता था, श्री कृष्ण मंत्र का जप करता था। एक ने आके समझाया कि कुंडलिनी जागरण के लिए योग की कोई विशेष क्रिया करनी चाहिए। मैंने स्वामी जी से जाके पूछा कि महाराज कुंडलिनी जगाने के लिए क्या करना चाहिए? बोले सीताराम, कुछ नहीं करना हो, ये कृष्ण 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 कृष्ण, ये कृष्ण नाम में ही ऐसी शक्ति है कि ये कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देगा। अगर दूसरा करने लगोगे तो मन दूसरी तरफ चला जाएगा, अन्याश्रय हो जाएगा। बोला दूसरे का आश्रय लेना, अन्याश्रय हो जाएगा, प्रेम की दिशा बदल जाएगी। प्रेम का स्वभाव है कि वो एक दिशा में चलता है तब तो पूरा होता है, और कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर जब होने लगता है तब वो गड़बड़ा जाता है, उसका रास्ता ही बदल जाता है, क्षीण हो जाता है, क्षीण। इसलिए प्रीति को एक मार्ग में ले चलना चाहिए। ज्ञान से जो निष्कर्म प्राप्त होता है वो कृष्ण कृष्ण करने से प्राप्त हो जाएगा। समाधि से जो निष्कर्म प्राप्त होता है वो भी कृष्ण कृष्ण से प्राप्त हो जाएगा। जो उपरामता प्राप्त होती है, उपरामता, कुछ करने का मन ही नहीं, बैठे हैं। ये कैसे आया? स्मरताम कृष्ण वीर्याणि, कृष्णस्य सर्वाकर्षकस्य सर्वचित्ताकर्षकस्य, सबके चित्त को खींचने वाला जो कृष्ण है, बड़ा प्रबल हो। मैं प्रेम कुटीर में एक बार श्री कृष्ण चरित्र की कोई बात करने लगा तो एक बड़े वहाँ के पुराने वेदांती हैं निष्ठावा, वो एक दिन मेरे पास एकांत में आए, बोले महाराज हमारे दिल को आप झकझोर देते हो, यहाँ मत सुनाओ। हमारे मन में संशय हो जाता है ना कि हमको ये करना चाहिए क्या? अब हम तो भक्ति के प्रसंग में भक्ति की बात सुनाते हैं, ज्ञान के प्रसंग में ज्ञान की बात सुनाते हैं, तो अपने को तो ना ज्ञान ज्ञान करना है, भक्ति करनी है, सुना नहीं सुनाना है। तो अब राम के ब्याह में गए तो राम का गीत गाया है, श्याम के ब्याह में गए तो श्याम का गीत गाया है, जिसका ब्याह उसका गीत। हमारे तो जो ब्रह्म सो कृष्ण, जो कृष्ण सो ब्रह्म, और जो ब्रह्म कृष्ण सो मैं, जो मैं सो ब्रह्म कृष्ण। सबका आत्मा एक अद्वय, तो उसके नाम पर वो बात कही जाए और उसके नाम पर वो बात न कही जाए, तो ब्रह्म के नाम पर कहना है कि कृष्ण ज्ञान मनंतम ब्रह्म, और उनके पराक्रमों का स्मरण होता है। ये उतना जो है ये विश्व रूप है, वो
और त्रिणा व्रत जो है प्रकटासुर लकड़ी है ना, मृतिका रूप है, दावानल अग्नि रूप है, जल में जो दोष है काली नाग जो है वो जल का दोष है, और इनमें भी सात्विक राजस तामस दोष कई प्रकार के होते हैं। तो विष जो है वो तामस दोष है, काली नाग जो है वो राजस दोष है, गरुड़ जो है वो सात्विक दोष है। तो इन तत्वों में जो दोष है उसका निवारण करना ये श्री कृष्ण के प्रेम से पंचभूत और पांच भौतिक शरीर से पृथक हो जाना, अलग हो जाना श्री कृष्ण प्रेम से होता है। कर्म छूट रहा है, नंद बाबा वर्णन कर रहे हैं कि हमारे सारे कर्म छूट रहे हैं। सर्वानः शिथिला क्रिया, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने वर्णन किया, यहाँ क्रिया के पहले जो सर्वा है ना उसके अर्थ समझ रहे, दैहिक क्रिया भी छूट रही है देह से होने वाले, क्रिया छूट रही है, लौकिक क्रिया छूट रही है, मानसिक क्रिया छूट रही है, घर गृहस्थी कुटुंबों से संबंध रखने वाली जो क्रिया है वो छूट रही है, सब शिथिल पड़ता जा रहा है। अब उद्धव जी ये मन नहीं होता कि किसी से कहें कि चलो मथुरा हो आओ, ये भी मन नहीं होता कि पांव उठा के धरती पर रखें कि अच्छा मथुरा चलते हैं, स्नान का मन नहीं होता, भोजन का मन नहीं होता, बोलने का मन नहीं होता, पलक उठाने का मन नहीं होता, हम श्री कृष्ण के पराक्रम के स्मरण में मग्न हैं, अब हम क्या करें। स्मरताम कृष्ण वीर्याणी, ये पराक्रम जो प्रकट होते हैं वो दुख की निवृत्ति के लिए होते हैं, वो इंद्रियों के मालिक हैं इंद्र, बोला कर्म का दोष निवृत्त करने के लिए कृष्ण का वीर जो है गोवर्धन धारा, आकाश के दोष की निवृत्ति के लिए व्योमासुर, व्योमा व्योम माने आकाश होता है, आकाश के दोष के निवारण के लिए व्योमासुर, प्राण के दोष के निवारण के लिए प्रलंबासुर, धर्म के दोष के निवारण के लिए वृषभासुर, देहाध्यास के दोष के निवारण के लिए धेनुकासुर, अविद्या के दोष के निवारण के लिए पूतना, इनका जो संहार किया है तो इनका जो उद्धार किया है ये इसका, जब उनके पराक्रम का स्मरण आता है तो दोष की निवृत्ति हुई, लेकिन दोष की निवृत्ति सब कुछ नहीं है, रसास्वाद भी तो होना चाहिए ना, गुणागान भी होना चाहिए, वो क्या है, कलीला बांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांगो सर्वान शिथिला क्रिया, आठ स्मरण कराने वाले आठ पदार्थों का वर्णन नंद बाबा करते हैं। तो श्री कृष्ण के पराक्रम ये पहली वस्तु, अब दूसरी वस्तु क्या है, लीला पांग निरीक्षिता, जो आंखों में स्वाभाविक विनाश होता है उसको लीला कहते हैं, जैसे पांव से नाचते हैं तो उसका नाम लीला होता है ना, रासलीला, रासलीला क्या है, पांव से नाचना है ना, हाथ से नाचना, ठोगी से नाचना, ये सब ये क्या है, ये रासलीला है, कमर से नाचना, नृत्य जो होता है ना सर्वांग से जो नृत्य होता है उसी को तो लीला कहते हैं। अब लीला पांग निरीक्षितम, अपांग माने आंख का कोना, और लीला पूर्वक आंख के कोने का जो नृत्य है इशारे इशारे में मांग लेना आंख से, अब बता देना कि कदम बतरे आ जाइए, आंख ही से मुंह से, मुंह से बोलेंगे तब कोई सुन लेगा, लीला पांग निरीक्षितम, जो उनके अपांग निरीक्षण में आंखों के कोने से जो देखते हैं उस दृष्टि में जो लीला है, गोपी तुम हमारे प्राण हो कह देते हैं आंख को, जो उसमें भाव का माधुर्य है, ललित है, आरती है, जाचित है, छलित है, छल भी कर लेते हैं आंख से, ललित है, छलित है, गलित है, वलित है, जो भिन्न भिन्न भावों का प्रदर्शन है आंखों के द्वारा, मैया और बाबा दोनों सामने खड़े, मैया ने कहा लाला हमसे ज्यादा प्रेम करता है, बाबा ने कहा कि नहीं लाला हमसे ज्यादा प्रेम करता है, कैसा लाला से पूछो, अब मुंह से कह रहे हैं बाबा से भी बाबा तुम ज्यादा प्रेम करते हो, मेरा तुमसे प्रेम ज्यादा है, और आज तो मैया को बता रहे हैं कि मैया चुप रहना तुम बोलना,
हम तुम तो एक है, हम तुम तो एक है, बाबा को कहने दो, है ना। बाबा खुश हो जाए, बाबा को खुश करने के लिए ऐसे बोलते हैं। लीला पांग निरीक्षितम, आंख के इशारे से भैया से कह दिया कि तुमसे प्रेम ज्यादा है, और बोल के बाबा से कह दिया कि तुमसे प्रेम ज्यादा है, और गोद में बाबा के चले गए और कान में कहा कि बाबा हम प्रेम तो तुमसे ज्यादा करते हैं, लेकिन भैया दुखी हो जाएगी, इसलिए देखो क्या खेल करता हूँ, है ना। और कान में घर से कह के उछल के मैया की गोद में चले गए, ना ना मत, मैं तो भैया के पास रहा। लीला पांग निरीक्षितम, ये ध्यान की लीला है। जो लोग बाल चरित्र को अनुकरण की दृष्टि से पढ़ते हैं, या कोई ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्र के अनुसंधान की दृष्टि से पढ़ते हैं, उन लोगों की समझ में ही नहीं आता। ये तो जो लोग प्रेम से इसका ध्यान करना चाहते हैं, उनकी मनोवृत्ति को पकड़ने के लिए है ये। लीला पांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांगे, कभी मुस्कुराते कभी हंसते, पागल हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण हंस देते हैं तो देखने वाला पागल हो जाता है। हासो जनोन्माद करी च माया, जनों को उन्माद देने वाली माया जो है ना, वो हाथ में है। आपको अगर उदाहरण सुनावे, जब जब हंस देते हैं, रुचि रश्मितम मुखम लालयति राजन, भैया ने दूध पिलाया, पीते गए पीते गए पीते गए, मैया ने सोचा कहीं लाला को अवध न हो जाए, तो मुंह हटा दिया, चुंगने लगे, तो रोवे भी नहीं, दूध छुड़ाने से बच्चा रोवे नहीं, और चुंबन करने लगे, और सोचा कि कहीं अवध न हो जाए, तो कृष्ण ने हंस दिया, और हंस दिया तो मुंह में देखा संपूर्ण विश्व दूध पी रहा है, तो माया दिख गई, तुरंत माया आ गई, हंसते ही माया आ गई। प्यारी मैया, तू क्या समझती है कि मैं अकेला दूध पी रहा हूँ, देख मेरे मुंह में बैठ के सारी दुनिया दूध पी रही है, माँ ने गोद में उठा लिया हो। तमंक मारूढ़ मपाय कृतनम स्नेह स्मृतम सस्मित क्षति मुखम, मैया दूध पिला रही, मुख पर बार बार मुस्कान आती है, मैया देखती है और दूध पिलाती है, बोले मैया तुमको मैं प्यारा हूँ कि दूध प्यारा है। मैया बोली बेटा तुम प्यारे हो, दूध में क्या रखा है। हंस गए, हंस गए तो दूध में उफान आ गया, दूध में उफान आ गया तो मैया लाला को पटक के धरती में चली गई, दूध का बोले बस, है ना, वो माया रहती, दूध में उफान जो था ना वो माया थी। हाँ जनोन्माद करी च माया, हसिता। श्री कृष्ण का हाथ से क्या था, बड़ा उदार हाथ से है, भगवान के हाथ से का विशेषण उदार है, उदार। भगवान हंसते हैं बड़ी उदारता से, माने हंसने में कंजूसी नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भीतर भीतर हंसते हैं लेकिन झेपते भी जाते हैं, तो भगवान हंसते हैं तो झेपते नहीं, उदार उन्मुक्त माने खुला खुला हाथ से है। परंतु उदार शब्द का दूसरा अर्थ भी है ना, हास्य तो भगवान की एक चेष्टा है, हंसी जो है, हंसी तो भगवान की एक चेष्टा है, चेष्टा का नाम माने एक शरीर में होने वाली चेष्टा का नाम हंसी है, और वो आनंद की अभिव्यक्ति करने के लिए होती है। तो भगवान ऐसी ऐसी तो बहुत सारी चेष्टा करते हैं, पांव से नाचते हैं, अंगुली से इशारा करते हैं आ जाइयो, आंख से देखते हैं, मुखारविंद से हंसते हैं, तो ऐसी तो बहुत सी चेष्टा है। फिर हंसी रूप चेष्टा में उदारता क्या है, उदारता ये है कि आपके जीवन में चाहे जितना दुख होवे, आप एक बार ये ध्यान कीजिए कि कृष्ण हंस रहे हैं। अब देखो दान उनका देखो, उसी समय आपका दुख मिट जाएगा और आपके हृदय में आनंद जो है ना
आनंद अभिव्यक्त हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा। तो हमारे हृदय में दुख को मिटा करके आनंद देने की उदारता, आनंद नहीं, जब आप भगवान की हंसी का ध्यान करोगे तो पूरा मुखारविंद आ जाएगा आपके ध्यान, और पूरा मुखारविंद आएगा तो नक से सिर तक सारा शरीर आ जाएगा। वही ठुमुक ठुमुक करके नाचता हुआ, ठुमुक ठुमुक के पाद विन्यास करता हुआ, वही पीतांबर धारी, वही मोर मुकुट वाला, वही मुरली मनोहर, वही प्रेम भरी आंखों वाला, वही विशाल वक्षस्थल वाला, वही उदार चक्र चूड़ामणि श्याम सुंदर तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में श्याम सुंदर को कौन लाया? बोले उनकी हंसी ने। हंसी ने क्या किया? बड़ी उदार है हंसी, तो दासी है भगवान की, ज्येष्ठा है। उसने क्या किया? कहा अपने मालिक को ला के हाजिर कर दिया। हंसी का मालिक कौन? श्याम सुंदर। हंसी उसकी सेविका, परंतु सेविका में इतना सामर्थ्य कि यदि तुम श्याम सुंदर की सेविका से, दासी से, इस हंसी से तुम अपना रिश्ता जोड़ लो, बारंबार इस हंसी को देखो, स्मरण करो अपने हृदय में, तो श्याम सुंदर को लाके तुम्हारे हृदय में बैठा देगी और ये जो संसार का रोना धोना है ये सब बहा देगी। अरे ये जीवन भाई दुखी होने के लिए नहीं प्राप्त हुआ, तुम सच्चिदानंद तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा के रूप में सच्चिदानंद परिपूर्ण है, इसको जाहिर करो ना किसी तरह से, कोई निमित्त बनाओ इसको जाहिर कर लो। देखो श्याम सुंदर की मुस्कुराहट, उनकी हंसी, हसितम भाषितम चांगो सर्वान शिथिला क्रिया भाषण। आजकल तो लोग विलायत से भाषण की कला सीखने के लिए जाते हैं, भाषण की कला। श्रीमद् भागवत में कई जगह व्याख्यान है, वो महापुरुषों के व्याख्यान है, पृथु का व्याख्यान है, शरद कुमार का व्याख्यान है, ऋषभ देव का व्याख्यान है, व्याख्यान है, एक द्रौपदी का व्याख्यान है। तो द्रौपदी के व्याख्यान में क्या क्या गुण था इसका वहाँ वर्णन कर दिया है, माने व्याख्यान में क्या क्या बात रहनी चाहिए। धर्मम धर्मियम न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीतम समम महत। द्रौपदी की बोली में छह गुण था। आप अपने घर में कभी बातचीत करते हैं तो ध्यान रखते हैं इस बात में। एक तो धर्म के विरुद्ध न हो, और एक उसमें न्याय हो, पक्षपात नहीं हो। भाई भतीजा, बेटा, जेठ देवर, किसी के साथ अन्याय न होने पावे बोलने में। धर्म के विरुद्ध न हो, सबके प्रति न्याय हो, समम राग द्वेष न हो, और दुखी के प्रति करुणा हो वचन में। धर्मियम न्याज्यम सकरुणम और निर्व्यलीकम, झूठ न हो, छल कपट न हो उसमें, बोलने में छल कपट न हो, झूठ न हो, और महत अपनी ओर से उसमें खूब उदारता बरती गई हो, अपनी ओर से तो उदारता हो, किसी के प्रति राग द्वेष न हो, उसमें झूठ छल कपट न हो, दुखी के प्रति करुणा हो, और किसी के प्रति अन्याय न हो, और धर्म का विरोध न हो। इन छह बातों को ध्यान में रख करके सब द्रौपदी अपने मुंह से कुछ बोलती थी, बोला ये इसलिए बताया कि भागवत में भाषण पर कितना ध्यान रखा गया है। पृथु जब बोलते थे, जब चार गुण उनके भाषण में हमेशा रहते थे, चार गुण, वो श्लोक नहीं उठ रहा है इस समय, चार गुण उनके भाषण में थे, सारम सुष्ठु मितम मधु, सार सार बोलते थे वो, सार सार, ये नहीं कि बात थोड़ी कहनी और उसमें घंटे भर लगा दिया, उसका सार कुछ नहीं निकला। सारम सुष्ठु,
निर्दोष। व्याकरण आदि के रीति से ही भाषण में दोष नहीं होना चाहिए। सार सार होवे, शुद्ध होवे और मिलना थोड़े में होवे और उसमें शहद घोल दी गई हो, मधु घोला हुआ हो, मीठा हो, थोड़ा हो और शुद्ध हो और सार गर्भित हो, ये चार गुण भाषण में होने चाहिए। अब श्री कृष्ण के भाषण की बात आपको सुना, नंद बाबा से भी बहुत बात की है श्री कृष्ण ने, उनको मालूम था कि इंद्र की पूजा के लिए ये सब समारंभ हो रहा है, गोवर्धन धारण के प्रसंग में देखो आए तो आ करके प्रणाम किया, पहले प्रणाम किया, ये नहीं कि अपने बालक हैं तो पिता को प्रणाम नहीं करते हैं, प्रणाम किया फिर नीचे बैठ गए, फिर हाथ जोड़ दिया, फिर बोले पिताजी ये क्या समारंभ हो रहा है, ये क्या है, जैसे कोई अनजान भोला बाला बालक। जब नंद बाबा ने बताया तब उसके बाद देखो वो गंभीर भाषण है, कारम सुष्ठु नितम मधु, बोले इंद्र से बढ़ करके तो हमारे ब्रज का एक पत्थर है। देखो भाषण का सार क्या है, भाषण का सार है कि स्वर्ग में संपूर्ण देवताओं का राजा जो इंद्र है उसकी अपेक्षा ज्यादा महत्व हमारी ब्रज भूमि की एक शिला का है, इसकी पूजा करो। वैष्णव हो तो जहाँ हम घूमते हैं उसकी पूजा करो, जो हमारे गायों को भोजन देता है उसकी पूजा करो। अच्छा वो भाषण तो बड़ा है, बड़े सिद्धांत का प्रतिपादन है उसमें। अब नंद बाबा को उसकी याद आती है, भाषितम चांग, प्यारे उद्धव जब हम श्री कृष्ण के भाषण का स्मरण करते हैं तब ये ख्याल होता है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है सो ठीक है, जो हुआ सो ठीक है, अब हमारी क्रिया हमारा कर्म कक्ष शिथिल हो गया है श्री कृष्ण के प्रेम में स्मरण। अच्छा आगे का प्रश्न।